अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माहे रमजान कैसा जा रहा है? हमारा तो बहुत अच्छा जा रहा है। इस ईद पे मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल चिकन कौरमा। ईद आ रही है करीब, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए चिकन कौरमा की रेसिपी लेके आऊँ। आप मेरी ये रेसिपी देखते हुए चिकन कौरमा अपने घर में बनाएं, खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। 1 किलो चिकन की परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ, तो आप मेरी रेसिपी देखते हुए आप बनाएं अपने घर में चिकन कौरमा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक और शेयर करें। चिकन कौरमा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ 1 किलो चिकन। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश कर लिया है। इसके बाद मैं आपको मसाले बताती चलूँ। मसाले मैंने यहाँ लिए हैं, नमक 1/2 चम्मच लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, हल्का या ज्यादा, जो भी आपको टेस्ट पसंद हो। मिर्च, सुर्ख मिर्च मैंने लिया है 1 चम्मच। पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है 1 चम्मच। भुना हुआ जीरा लिया है 1/2 चम्मच। हल्दी का चाय का चम्मच, छोटा वाला चाय का चम्मच हल्दी ली है पीसी हुई। साबुत मसाले हमने जो लिए हैं, इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची ली है, 3 से 4 अदद हमारे लौंग हैं, 7 से 8 अदद हमारी साबुत काली मिर्ची हैं। आधा कप हमने लिया दही, दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। लहसुन अदरक हमने लिया है 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। टमाटर 2 अदद जिनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। 2 से 3 अदद हमारे प्याज है, इनको मैंने रफली काट लिया है, इसलिए ये रफली काटे हैं कि इनको मैंने ग्राइंड करना है। अब मैं इनका पेस्ट आपको बनाकर दिखाती हूँ ग्राइंड करके, और साथ ही हम चिकन कौरमा बनाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हमने ऑयल डालना है। आधा कप हमने ऑयल का डालना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे खुश्क मसाले जो मैंने पहले आपको बताए थे, वो इसके अंदर डालने से इससे ये होगा कि चिकन कौरमा जो हम बनाने जा रहे हैं, इससे आपकी चिकन की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आधा सेकंड हमने फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट जो हमने आपको बताया था कि इसको हमने ग्राइंड कर लिया, वो आप हम इसके अंदर डालेंगे। प्याज और टमाटर को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। प्याज और टमाटर को भूनते भूनते साथ ही हमने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट आपको बताया था वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और भुना जाए अच्छी तरह से। 2 से 4 मिनट हमारे मसाले को हो चुके हैं, देखें कलर भी आ गया है खूबसूरत। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अब हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक चिकन का कलर ना चेंज हो जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हमारे लगेंगे चिकन का कलर चेंज होने में। अच्छी तरह से भूनना है हमने इसको, अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। झटपट सी रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है। अगर अचानक आपके घर पर मेहमान आ जाए तो झटपट आम मसालों से ये रेसिपी आप तैयार करें अपने घर में, खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। 10 मिनट मुझे भूनते हुए हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले, जो पीसे हुए मसाले और घरेलू मसाले जो मैंने आपको बताए थे, इससे आज हम बना रहे हैं चिकन कौरमा। इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया ऊपर। अब हमने अच्छी तरह से इसको भून लेना है ताकि मसाले अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाएं। आपके सामने मैंने कोई और मसाले नहीं डाले, आम मसाले डाले हैं। आप भी मेरी रेसिपी देखते हुए ऐसा ही चिकन अपने घर में बनाएं। नमक अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। चिकन कौरमा आज हम बना रहे हैं, देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है और मसाला हमारा अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आखिरी चीज जो हमारी रह गई, वो है दही। दही हमने फेंट के रखी हुई थी, वो आपके सामने हम डालेंगे। दही का भी पानी हमने खुश्क कर लेना है अच्छी तरह से, मिक्स करके दही का पानी जो होता है हमने उसको खुश्क करना है अच्छी तरह से। पानी अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला आपके सामने, बहुत अच्छी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी से इसको खाऊं। नान मंगवाए, रोटियां बनाए, तो आप जल्दी से अपने घर में ये बनाए और खाएं। ऑयल और मसाला हमारा लैदा लैदा हो चुका है, देखें
अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। पानी का आपने 1 कप डालना है पानी, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। पानी जो हमने 1 कप डाला है वो हमारा 1/2 कप रह जाए पानी। ऊपर हमने दे देना है ढक्कन। ढक्कन देने के बाद हम आपसे 10 मिनट के बाद मिलते हैं। चिकन हम कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। आधा कप हमने पानी रहने देना था, 1 कप हमने पानी डाला था। हल्की सी हमने ग्रेवी तैयार कर ली है, ये देखें। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है हल्की सी ग्रेवी के साथ। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए चिकन कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। हल्की सी ग्रेवी रखी है, सादे मसाले हैं, परफेक्ट मसाले से आप ही अपने घर में बनाएं इस ईद पर। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसी तरह मजे मजे की और भी रेसिपी मैं आपके लिए लाऊंगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी, स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।